हेलो देयर, आज हम लोग जीएस क्वेश्चन पेपर में इंडियन पॉलिटिक्स के बेस्ट 25 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स हो या फिर आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं आरओ एआरओ के या फिर यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीईटी का एग्ज़ाम्स है, इन सब में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कि संविधान के निर्माण, संविधान का प्रमुख संशोधन और संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों से रिलेटेड हैं। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, यह कुलीन तंत्र शासन है, यह संसदात्मक प्रजातंत्र है या फिर यह नाम मात्र का राजतंत्र है। प्रश्नों की शुरुआत हम लोग इजी टू हार्ड करेंगे, शुरुआत में आसान प्रश्नों को और बाद में प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट करते जाएंगे। चलिए आप अपने आंसर्स गेस करिए। इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, यह संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहला है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक सरकार है। सी है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है या फिर यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। यहाँ पर आपके कूट दिए गए हैं, इन कूटों की सहायता से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्या यह सही होगा फर्स्ट ऑप्शन एक और दो, या फिर एक दो और तीन, या फिर दो तीन और चार, या सभी के सभी सही हैं? तो यहाँ पर जैसा कि हम देखते हैं कि ए है लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये सही है, साथ ही संसदात्मक सरकार भी है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में ही निहित है, लेकिन यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, इसलिए हमारा आंसर होगा ए बी और सी। तो ये सेकंड ऑप्शन वन टू और थ्री सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? पहला है साइमन कमीशन, दूसरा है कैबिनेट मिशन योजना, तीसरा है राजा जी फॉर्मूला या फिर वेवल योजना। इसमें से आपको बताना है कि संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था। इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का विचार दिया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत दी गई थी। संविधान सभा में उस समय कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे, जबकि 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? आयरलैंड का, अमेरिका का, भारत का या ब्रिटेन का? यहाँ पे सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन से आपके, भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, या फिर अनुच्छेद एक में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, या फिर तीसरा ऑप्शन है, अमेरिकी संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है जबकि भारतीय संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, या फिर चौथा ऑप्शन, संविधान के वृहद होने का एक कारण इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान का होना है। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए? इसका सही आंसर होगा कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह है थर्ड ऑप्शन, यह सही नहीं है, क्योंकि भारत में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यह बिल्कुल सही है। साथ ही पहले में अनुच्छेद पहले में राज्यों के संघ के रूप में भारत का उल्लेख है, यह भी बिल्कुल सही है, और संविधान के वृहद होने का कारण संघ तथा राज्य सरकारों के संविधान का होना है, यह भी सही है, लेकिन यहाँ पे विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान में है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रयोजन किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आपके आयरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 4 ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रयोजन लिया गया है। इसका थोड़ा और डिटेल हम लोग देखते हैं। प्रस्तावना की जो भाषा है, साथ ही साथ समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और इनके बीच शक्तियों का विभाजन, व्यापार वाणिज्य तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑप्शन है आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। जैसा कि अभी अभी बताया है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है वो 3rd ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1st ऑप्शन, आयरलैंड के संविधान से भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को लिया गया है। इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं यहाँ पर है, राज्यों के नीति निदेशक तत्वों को और राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करने की विधि जो है वो आयरलैंड के संविधान से मिली है। लेकिन ये साथ ही साथ अमेरिका को, जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था, इस राष्ट्रपति से रिलेटेड निर्वाचन विधि तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, लेकिन इनको पद से हटाने की विधि जो कि महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अभी अभी बताया है, ये प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। यहाँ पे राष्ट्रपति राज्यसभा में जिन 12 सदस्यों को, जो कि कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्रों से होते हैं, उनको लिया गया था किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। यहाँ मैंने ऊपर डिटेल में बताया है कि राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की जो विधि है आयरलैंड के संविधान से मिली है। ये वही 12 व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या तात्पर्य है? पहला है, भारतीय सभी जाति के लोगों को एक समान अवसर, या फिर सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता, या फिर सभी जाति के लोगों को समान अधिकार व कानून, या 4th ऑप्शन है, किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देना। तो जैसा कि इससे ही लग रहा है कि धर्म निरपेक्ष राज्य के बारे में पूछा गया है, तो 4 ऑप्शन, किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देना धर्म निरपेक्ष राज्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार किस देश से लिया गया है? पहला है रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा आयरलैंड, चौथा है ब्रिटेन। तो इसमें आपको बताना है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार ये है आपका 2nd ऑप्शन, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारे संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन का जो सिद्धांत दिया गया है वह भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन 2 अमेरिका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है? यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके दिया है। पूछा है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, संघात्मक विशेषताएं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 4 ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। आपको भी पता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है जिस प्रक्रिया के द्वारा
भारत के राष्ट्रपति को, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, और महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। अभी अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के विचार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर आयरलैंड के संविधान से? इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, ब्रिटेन के संविधान से भारत में मंत्रिमंडल का जो प्रावधान है वो लिया गया है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। ब्रिटेन से संसद की शासन प्रणाली, नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिमंडल की प्रणाली, इन सबको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 8, 12 या फिर 14? इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान भारतीय संविधान में। लेकिन भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और इसमें आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। या फिर दूसरा, अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। या थर्ड ऑप्शन, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। या फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में 42वें संविधानिक संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग गेस करिए। इसका सही आंसर होगा 4 ऑप्शन। इसमें गलत क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है 1976 ईस्वी में हुआ था उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, ये तो बहुत सही है। लेकिन इसके साथ साथ इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यह गलत है। इसे रूस के संविधान से लिया गया था, इस वजह से ये 4 ऑप्शन गलत होता है। बाकी सारे के सारे, 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, ये भी सही है। 15 के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग स्थान पर भेदभाव का निषेध करता है, यह भी सही है। और जितने भी भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं वह अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में सही क्रम का चयन करें। ऑप्शन है आपका, पहला रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। अब आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा एक्ट आया, उसके बाद कौन सा, फिर सबसे आखिरी में कौन आया। ऑप्शन है आपके ए 1, 2, 3, 4 या फिर 3, 4, 2, 1 या फिर 4, 1, 3, 2 या फिर 1, 2, 1, 3, 2, 4। इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही होगा, क्योंकि यह सारी घटनाएं क्रम से घटी हैं। पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट और लास्ट में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार हुआ था। आइए इन सारे एक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। पहला था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 ईस्वी में आया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश के नियंत्रण को स्थापित किया गया और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बनाए गए। साथ ही कलकत्ता में 1784 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे।
इस पर प्रश्न भी बना हुआ है कि कलकत्ता में 1784 में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इसको आप लोग लास्ट इनका नाम इम्पे ये भी ध्यान में रख करके याद कर लीजिए। साथ ही अन्य तीन न्यायाधीश जिनके नाम चैम्बर्स, लेमिंगस्टर और हाइट थे, इनकी भी नियुक्ति हुई। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए सेकेंड ऑप्शन एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में आया, जिसके अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों प्रांतों के लिए कानून बनाने का प्रावधान दिया गया। थर्ड ऑप्शन जो आपका था पिट्स इंडिया एक्ट, ये 1784 ईस्वी में आया, जिसके द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामलों के लिए थे पिट्स इंडिया एक्ट का, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि राजनीतिक मामलों के लिए थे, यही इसकी विशेषता थी पिट्स इंडिया एक्ट की। और 1919 जो कि लास्ट ऑप्शन था आपका, भारत शासन अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की प्रथम बार स्थापना होती है, साथ ही प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन होता है। और 1919 में ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन और भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था, 23वां संवैधानिक संशोधन, 24वां संवैधानिक संशोधन, 26वां संवैधानिक संशोधन या फिर 27वां संवैधानिक संशोधन? आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा 27वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था, 10वां संवैधानिक संशोधन या फिर 11वां संवैधानिक संशोधन, 12वां या फिर 13वां? इसका सही आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन, 13वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1962 ईस्वी में हुआ था, इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान को अपना करके उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड हो, यूपीएससी से या फिर यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, इन सारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है 36वां संवैधानिक संशोधन, 37वां संवैधानिक संशोधन, 39वां संवैधानिक संशोधन या फिर 41वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 36वां संवैधानिक संशोधन, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। 36वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1975 ईस्वी में हुआ था, इसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन है 42वां संवैधानिक संशोधन, 27वां, 36वां या फिर 40वां संवैधानिक संशोधन। इसका सही आंसर क्या होगा कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता, अखंडता आदि शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए प्रस्तावना में। इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं 42वें संवैधानिक संशोधन को। इसके साथ साथ इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने के साथ साथ सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता भी सुनिश्चित की गई थी। इसके अलावा 10 मौलिक कर्तव्यों को इसी 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 क जो है भाग 4 क में जोड़ा गया। इसके अलावा संविधान को न्यायिक परीक्षण से भी मुक्त कर दिया गया, साथ ही साथ लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया? अभी अभी जैसा कि बताया है
ये फर्स्ट ऑप्शन 42वां संवैधानिक संशोधन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा, 53वां संवैधानिक संशोधन, 54वां, 55वां या फिर 56वां संवैधानिक संशोधन? इसका सही आंसर होगा 53वां संवैधानिक संशोधन, ए ऑप्शन या पहला ऑप्शन सही होगा। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था, और यह संशोधन हुआ कब था, इसका टाइम था 1986 ईस्वी, इसमें ही यह अनुच्छेद 371 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत उत्तर का चयन करें। पहला है, 36वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 44वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के जगह पर सैन्य विद्रोह को रखा गया। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया, या फिर जो चौथा ऑप्शन है, 52वां संवैधानिक संशोधन 1986 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया, इसमें से गलत उत्तर क्या होगा। सही है 4 ऑप्शन, यह उत्तर गलत है, बाकी जितना दिया गया है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वें के अंतर्गत सही है, फिर राष्ट्रीय आपात की स्थिति के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह शब्द को आधार बनाया गया, यह भी सही है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के शब्द के आधार पर ही इसका दुरुपयोग करके भारत में इमरजेंसी लागू किया था, इसी के लिए यह संशोधन किया गया। साथ ही साथ 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक बनाया गया, और यह जो है 52वां संवैधानिक संशोधन, तो 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में हुआ था, 86 में नहीं, और 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दल बदल पर अंकुश लगाया गया था, जिसमें उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता था जो कि दल को छोड़ते हैं जिस चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, और 1986 ईस्वी में 55वां संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसके आधार पर अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है, यह क्या है, अनुच्छेद 386 के द्वारा, या फिर अनुच्छेद 370 द्वारा, या अनुच्छेद 371 के द्वारा, या फिर अनुच्छेद 360 के द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा, सही जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 386 के द्वारा है, जिसके अंतर्गत 386 के अंतर्गत संविधान में संसद को किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन किया जाता है जिसको अब रद्द कर दिया गया है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति अगर जो यह समझता है कि भारत या इसके किसी भी भाग में वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति को घोषणा कर सकता है, और अनुच्छेद जो 371 है इसके द्वारा राज्यों के कुछ विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। आज के लिए बस इतना ही, आज हम लोग ने 25 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कभी ना कभी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। आज का अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।